हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है, एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी तो मेरी मेट्रो मिस हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मेट्रो बस का सफ़र कर लेते हैं क्योंकि लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था। क्योंकि ये वाली जो मेट्रो बस है ये वक्फे वक्से से पूरी रात चलती रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो और फुल ये सिक्योरिटी के साथ होती है, सेफ्टी के साथ होती है, तो इसमें कोई डरने वरने की बात नहीं। अगर कभी आपकी मेट्रो बस छूट भी जाए, मेट्रो मतलब ट्रेन मिस भी हो जाए, तो आप मेट्रो बस का सफ़र कर सकते हैं। खैर, मैंने यहाँ का पूरा कैप्चर कर लिया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बना लेती हूँ। यहाँ पर जी बैठते हैं ड्राइवर साहब, तो मैंने इनकी सीट को भी अच्छे से कैप्चर कर लिया था। मैंने कहा कहीं ये ना रह जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे परमिशन दी थी चलें आप बना लें वीडियो, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनकी खाली सीट ले लेती हूँ। खैर, ये तो मजाक था। और ये इसमें मैं आई थिंक सेकेंड टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम तो मेरा खैर एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा था। और यहाँ पर जी हमें कार्ड पंच करना होता है, इसके अलावा आप एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि आपको ट्रेन में आप जब कार्ड पंच करते हैं तो ही आप सफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पर भी यही हिसाब है। जब तक आप कार्ड पंच नहीं करेंगे तब तक आप बस में नहीं बैठ सकते। अगर आपने विदाउट कार्ड पंच किए आप बैठे तो आप पे फ़ाइन पड़ेगा। तो फ़ाइन से अच्छा ये है कि आप शराफत से जो है कार्ड पंच करके बैठ जाएं। खैर, मैं ये सीट्स वगैरह दिखा रही थी कि मुझे मेरी पाकिस्तान याद आ गया एकदम से, कि पिकनिक पे जब हम लोग जाते थे तो इसी तरह हम लोग बस में सीट्स पे आगे पीछे बैठ के जाते थे। और ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, जैसे कोई स्टॉप आता है तो सामने शो हो जाता है कि ये स्टॉप आ गया, जिसको उतरना होता है वो उतर जाता है। और मैं कह रही थी कि मुझे विंडो सीट लेनी है, बट इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आप लेना लें, क्योंकि ये बंद ही रहती हैं, क्योंकि इसमें एसी चल रहा होता है, दैट्स वाई। खैर, अब मैं सारा दिखा लिया था अंदर से, सारा मैंने आपको इसका विज़िट करवा लिया था। और मुझे अब लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठा लें। अभी तक तो खैर बस में टाइम था और पैसेंजर्स भी अभी तक नहीं आए थे, कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। भूख से ज़्यादा मुझे लग रही थी गर्मी, मेरा कुछ ठंडा खाने का या पीने का दिल कर रहा था। और ये मेरे बालों को इधर उधर करने की बीमारी है, तो इसको फुल इग्नोर करिएगा। मैंने सोचा, मैंने इनसे पूछा आप लोगों का फालूदा कैसा है, उन्होंने कहा बेस्ट है, तो मैंने कहा चलें फिर बना दें चॉकलेट फ्लेवर में, क्योंकि आई लव फालूदा। एक फालूदा पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, मैं मोटी भी हो जाती हूँ बट शौक तो पूरा करना है ना। यहाँ पर हो रही थी जी चिकन शिकन रेडी, और फालूदा हो चुका था मेरा रेडी, तो मैं लेकर निकल आई थी। और अब मैं इन करने लगी थी, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कार्ड किस तरह पंच करते हैं। इस तरह कार्ड को रख के पंच किया जाता है, और जितने भी आपके पैसे कटने होते हैं आपके पैसे कट जाते हैं। अब मैं निकल चुकी थी जी, हमारी बस रेडी हो चुकी थी, पैसेंजर्स भी बैठ चुके थे, और यहाँ पर चार्जिंग का भी ऑप्शन होता है। ये मैं अपना फालूदा दिखा रही थी कि फ़ाइनली मैंने ले लिया, और मैंने लगा लिया था जी मोबाइल अपना चार्ज पे, क्योंकि व्लॉगिंग करते करते मेरा मोबाइल हो चुका था डेड, तो मैंने मोबाइल भी अपना चार्ज पे लगा लिया था और फालूदा भी ले लिया था। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू।